नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत में काफी सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जो अद्भुत और चमत्कारी गुण रखती है, लेकिन अब यह वनस्पतियां धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। इसका कारण है इनकी जानकारी न होना। इसलिए वनस्पतियों की रक्षा करने के लिए हर व्यक्ति को वनस्पतियों की जानकारी होना चाहिए। आप जो वनस्पति देख रहे हैं, यह वनस्पति सफेद दौड़ पुष्पी है। यह कई असाध्य रोगों को दूर कर देती है। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप दुनिया के सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। यह दौड़ पुष्पी का पौधा वर्षा काल में अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। अधिकतर सड़कों के किनारे, खाली पड़ी जमीन पर और जंगलों में देखा जाता है। दौड़ पुष्पी की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि दौड़ पुष्पी, रक्त दौड़ पुष्पी। रक्त दौड़ पुष्पी की पहचान हम पहले बता चुके हैं, आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। यह सफेद दौड़ पुष्पी है। इस पर इस तरह के पत्ते लगते हैं और यह मध्यम आकार का छोटा पौधा होता है। इसकी पहचान करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसके तने में इस प्रकार के गुम्बा लगते हैं और इनके अंदर से फिर तना निकलता है और फिर एक गुम्बा लगता है। इस प्रकार से काफी ये लंबा हो जाता है और इन्हीं गुम्बा में फूल लगते हैं। इसमें सफेद फूल हैं तो ये सफेद दौड़ पुष्पी हुई, और लाल फूल होते हैं तो लाल दौड़ पुष्पी होती है। जैसे ये लाल दौड़ पुष्पी है, इसका एक नाम गुम्बा भी है। वैसे इसके और भी काफी सारे नाम है, जैसे कि संस्कृत में इसको दौड़ पुष्पी, फले पुष्पा, फलिंदो, हिंदी में गोया, मोरपाती, घुरपी सग, गुजराती में दोनिश कुबो, मराठी में तुम्बा, बंगाली में बलघरसे, नेपाली में साईपत्री, राजस्थानी में उड़ापता आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। इसका वनस्पतिक नाम है ल्यूकस सिफलोटस। हो सकता है आप इसे किसी और नाम से जानते हो। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपकी भाषा में इसको क्या नाम से जानते हैं। इस दौड़ पुष्पी का साग भी बनाकर खाया जाता है किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में। यह विभिन्न रोगों को दूर करती है और इसका प्रयोग अधिकतर सर्दी जुकाम, पीलिया रोग, खांसी, सिर दर्द, मधुमेह, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग आदि में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेदिक मत अनुसार दौड़ पुष्पी का पौधा वात पित्त कारक होता है। यह कफ शामक, भेदन, पस्य, मेघ, मधुर, कटु, लवण, उष्ण, गुरु, लघु, तीक्ष्ण तथा रुचि कारक होता है। यह आम दोष, कमला, शोक, श्वास रोग, उदर कृमि, ज्वार, खांस तथा मंदाग्नि के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए अब जानते हैं इसके कुछ औषधीय प्रयोग, जिनका प्रयोग करके आप विभिन्न रोगों को दूर कर सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी असर भी दिखाती है। दौड़ पुष्पी के संपूर्ण पौधे का प्रयोग औषधीय प्रयोग में किया जाता है। जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है, यानी कि रात में नींद नहीं आती है, वह लोग रात को इसकी गुम्बा को पानी में उबालकर, यानी कि चाय की तरह काढ़ा बनाकर सोते समय पीते हैं तो उनको नींद अच्छी आती है और अनिद्रा रोग धीरे धीरे दूर हो जाता है। दौड़ पुष्पी सभी प्रकार के बुखार और मलेरिया रोग को दूर कर देती है। यदि मलेरिया रोग हो जाता है तो इसके पत्तों का रस 5 से 10 ml में 1 ग्राम काली मिर्च मिलाकर पिलाने से मलेरिया रोग ठीक हो जाता है। यह प्रयोग आपको सुबह शाम करना चाहिए। बुखार दूर करने के और भी काफी सारे प्रयोग हैं, जैसे कि इसके पत्तों का रस 5 से 10 ml लेकर उसमें सेंधा नमक पिलाने से भी लाभ होता है। इस पौधे के संपूर्ण पंचांग का काढ़ा बनाकर पिलाने से भी विषम ज्वार ठीक हो जाता है। इसके पत्तों का रस आंखों में लगाने से या एक एक बूंद आंखों में डालने से भी बुखार दूर हो जाता है। दौड़ पुष्पी के पत्तों को पानी में उबालकर स्नान करने से भी बुखार में लाभ मिलता है। दौड़ पुष्पी के पत्तों के पकौड़े बनाकर खाने से भी काफी सारे औषधीय लाभ मिलते हैं। जो लोग वात विकारों से पीड़ित हैं, वह इसके पत्तों का रस और शहद मिलाकर सेवन करते हैं तो बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। सभी प्रकार के बुखार, विषम ज्वार को दूर करने का एक आयुर्वेदिक योग है, जिसको आप घर पर बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए दौड़ पुष्पी का संपूर्ण पौधा, यानी कि पंचांग, पित्त पापड़ा, सौंठ, गिलोय और चिरायता, इन सभी को समान मात्रा में लेकर कूट पीस कर जौ कूट करके रख लें। 10 से 30 ग्राम की मात्रा में क्वाथ लेकर पानी में खूब उबाल कर उसका सुबह शाम सेवन करते हैं तो सभी प्रकार के बुखार और विषम ज्वार में बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं।
कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है कि बिच्छू सांप आदि के काट लेने पर दौड़ पुष्पी के पत्तों को पीसकर लगाने से जहर का असर धीरे धीरे कम हो जाता है और होने वाली जलन और दर्द भी ठीक होता है। जो लोग सिर दर्द से परेशान हैं, काफी समय से सिर दर्द है और ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके पत्तों को पीसकर माथे पर लेप करने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। साथ में इसके पत्तों का दो दो बूंद रस नाक में टपकाना चाहिए, जिसको नासिक्रिया कहते हैं, जिससे नाक की सूजन और गले के ऊपर के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। सिर दर्द दूर करने के लिए इसका एक और प्रयोग होता है कि इसके पंचांग को पीसकर इसमें काली मिर्च मिलाकर माथे पर लेप करने से भी सिर दर्द सिरसूल ठीक हो जाता है। जो लोग सर्दी जुखाम से पीड़ित हैं, पुराना सर्दी जुखाम है, प्रतिशाय, साइनोसाइटिस आदि से परेशान हैं, वह लोग इसके पंचांग को पानी में उबालकर उसके वफारे लेने से नाक की सूजन ठीक हो जाती है और सर्दी जुखाम में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके पत्तों के रस में अदरक और शहद मिलाकर सुबह शाम पीने से सर्दी जुखाम साइनस में आराम मिलता है। इसका एक और प्रयोग है, दौड़ पुष्पी के 5 से 10 ग्राम रस में वासा और मुलहटी का चूर्ण मिलाकर मिश्रीय शहद के साथ सेवन करने से प्रतिशाय में बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। दौड़ पुष्पी के रस में शहद मिलाकर चाटने से खांसी रोग भी ठीक हो जाता है। जो लोग पेट की समस्या से पीड़ित है या जिन लोगों को अजीर्ण हो गया है, वह इसके पत्तों का साग बनाकर खाएं तो ये बहुत सारे औषधीय लाभ करता है। पीलिया रोग में दौड़ पुष्पी के रस को आंख में अंजन करने से और इसके रस को शहद में मिलाकर चाटने से पीलिया रोग में आराम मिलता है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग दूर करने के लिए दौड़ पुष्पी के रस में काली मिर्च मिलाकर सुबह शाम पिलाने से मधुमेह रोग ठीक होने लगता है। संधिवात यानी कि जोड़ों के दर्द में दौड़ पुष्पी के पंचांग का चूर्ण बनाकर सुबह शाम सेवन करने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। दांत खाज खुजली और चर्म रोग को दूर करने के लिए दौड़ पुष्पी को पीसकर पीड़ित वाले स्थान पर लगा देने से सभी प्रकार के दांत खाज खुजली में आराम मिलता है। दौड़ पुष्पी को जलाकर उसकी भस्म बना लें और उसमें गोमूत्र मिलाकर चर्म रोगों पर लगाते हैं तो उससे भी काफी सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। दौड़ पुष्पी के नए पत्तों को पीसकर घाव पर लगाते से घाव जल्दी भरने लगते हैं। तो देखा आपने इस दौड़ पुष्पी के कितने सारे औषधीय लाभ हैं, जिसमें से कुछ औषधीय प्रयोग तो अभी और भी बाकी हैं, जिनको हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का सवाल या कन्फ्यूजन है या फिर आप इस वनस्पति के बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।